कोरोना वायरस के संकट को अवसर के रूप में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने दुनिया के सामने ब्यौरा रखा। रविवार को पैकेज की 5वीं किस्त का ऐलान करते हुए उन्होंने हमें बताया कि इस 20 लाख करोड़ रुपए में से किस सेक्टर को कितनी मदद दी गई है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हमें ये भी बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें गरीबों को मुफ्त राशन और खाते में नकद की मदद दी गई, के जरिए 1.92 लाख करोड़ रुपए की मदद दी गई। इसमें टैक्स की छूट होने की वजह से राजस्व को 7,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। साथ ही प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य क्षेत्र को दिए जाने वाले 15,000 करोड़ रुपए भी इसमें शामिल है। साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हमें ये भी बताया कि एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए बिना गारंटी के आसानी से लोन लेने की व्यवस्था भी इसमें शामिल की गई। साथ ही कर्मचारियों और कारोबारियों के लिए ईपीएफ अंशदान के तहत 2800 करोड़ रुपए की मदद दी गई।